गाइस भालू तो हमने देख लिया, अभी जाते हैं टाइगर देखने के लिए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है लोगों की, तो टाइगर को देखने जाते हैं जो यहाँ पे अभी नया नया आया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनात पब। मैं आपका दोस्त चेतन मुदगल। आज मैं एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है मुंबई जू। तो हम लोग यहाँ पे एनिमल देखेंगे जो इस जू में है। इस जू में आपको लेके जा रहा हूँ। इस जू का नाम है वीर माता जीजाभाई भोसले उद्यान प्राणी संग्रहालय। ये मुंबई भाईकला में है और हम लोग अभी इस जू में जितने भी एनिमल है वो आपको मैं इस ब्लॉग के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे दोस्त है, ये दोस्त भी मुझे मिले हुए हैं, तो इनको हाय दोस्त, आप मेरे पब्लिक को हाय करो। हाय हाय गाइस। तो चलो दोस्त, ये मेरे दोस्त निकल रहे हैं अभी और मैं अंदर अकेला ही जा रहा हूँ। बाय बाय बाय, सी यू। टिकट निकालने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ जो मुंबई जू का है, ताकि आपको दिक्कत ना है। यहाँ पे कभी भी आप आओगे तो कौन से एनिमल कौन से पॉइंट पे है, तो ये मैप है, आप एक बार मैप देख लीजिएगा। मैं टिकट निकालने के लिए जा रहा हूँ, टिकट का रेट क्या है अभी देखते हैं। और मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो कैमरा का भी रेट कितना लेते हैं तो अभी पता चलेगा। ये टिकट घर है, यहाँ पे मैं टिकट निकालने के लिए जा रहा हूँ अभी। गाइज, मैंने टिकट निकाल ली है। टिकट का रेट देखो आप, एक का टिकट का प्राइस है 1 पर्सन का ₹50, और मैंने कैमरा का भी निकाला है टिकट, तो कैमरा का ₹100 है। तो दोस्त आप देख सकते हो कि पहला यहाँ पे ₹5 रेट था टिकट का, अभी ₹50 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए एनिमल भी आ चुके हैं तो उसकी वजह से, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रहा है तो उसकी वजह से ये ₹50 टिकट रखा हुआ है। तो अंदर जाके देखते कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नया नया है। मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे, पर उतना अच्छा नहीं था तब, बट अब मैं बाहर ही देख रहा हूँ। आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। गाइज, मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ अभी। टिकट भी निकाला है, आपको बाहर का व्यू भी दिखा है। देखो, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम है। गाइज, मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं मेरा टिकट पहला दिखाऊंगा यहाँ पे कैमरा का और मेरे कुक का, पहला देखते हैं। गाइज, मैंने अंदर एंट्री की है, हम लोग अभी जाते हैं नए नए एनिमल देखने के लिए। Yeah.
राइट, चलते चलते मैं फर्स्ट पॉइंट पे आ गया, वहाँ पे है एलिफेंट मतलब हाथी। तो एक हाथी मुझे अभी दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता गाइस। हमने अभी एलिफेंट देखा, एलिफेंट देखने के बाद अभी नेक्स्ट एनिमल कौन सा है वो देखेंगे। गाइस भालू तो हमने देख लिया, अभी जाते हैं टाइगर देखने के लिए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है लोगों की, तो टाइगर को देखने जाते हैं जो यहाँ पे अभी नया नया आया हुआ है। गाइस हमने यहाँ पे एक बड़ा टाइगर देख लिया, अभी हम लोग जाते हैं लेपर्ड देखने के लिए। मेरा नसीब अच्छा था, आपका भी मतलब आपको देखने के लिए इतना बड़ा मिला, बहुत अच्छा लग रहा है कि आने के बाद एक बड़ा टाइगर देखने को मिला जो मेरे सबसे मतलब बहुत करीब था, पर बीच में एक कांच की वजह से ना उसने मुझे टच किया ना मैंने उसे टच किया, बट बहुत ही बड़ा था। मतलब जंगल में अगर हम लोग सामने भी आ जाएंगे तो क्या होगा उसका पता भी नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ पे आ गए लोमड़ी देखने के लिए, हम लोग अभी लोमड़ी देखते हैं। Thank you.
गाइस हमने यहाँ पे हैना और लेपर्ड देखा है। हम लोग अभी आगे जाते हैं कुछ दूसरा देखने के लिए। बहुत ही भीड़ थी, फिर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा कवर की है वीडियो आपको दिखाने के लिए। तो आगे जाके और कोई नया कुछ देखते हैं। लोगों को खाने के लिए भी यहाँ पे कैंटीन है और लोग इतना घूम रहे तो ज़्यादा भूख लग रही है, तो लोग ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं और वहाँ पे अच्छा खाना भी मिल रहा है कैंटीन में। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे घूम के। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं पान घोड़ा और वहाँ पे कुछ और है, देखेंगे क्या क्या है। सो बहुत थक गया, बहुत बड़ा एरिया है और फिर भी अच्छा लग रहा है कि मैं इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स देख रहा हूँ। सो देखते हैं अभी आगे जाके क्या क्या है। यहाँ पे हमने डियर और हिप्पो देखा है। तो अभी दूसरी जगह पे जाते हैं क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए पेंगुइन्स जो यहाँ पे है। अभी मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ पेंगुइन्स देखने के लिए। तो चलो जल्दी चलते फटाफट।